कहने को विदेश लेकिन गांव में शूट हुआ है स्वैग से स्वागत सॉन्ग। फिल्म का नया सॉन्ग स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। में एक बार फिर और कटरीना कैफ की जबरदस्त डांस केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। शूटिंग लोकेशन से लेकर डांस मूव्स तक सॉन्ग ने रिलीज होते ही ऑडियंस का दिल जीत लिया है। इस सॉन्ग का कई दिनों से इंतजार था। गाने की शुरुआत इससे आगे कुछ नहीं इससे बेहतर कुछ नहीं से होती है। इस सॉन्ग को आवाज विशाल ददलानी और नेहा भसीन ने दी है। म्यूजिक विशाल और शेखर का है, वहीं लिरिक्स इरशाद कामिल ने लिखे हैं। इस गाने की सबसे खास बात है शूटिंग लोकेशन। इसे सात समंदर पार ग्रीस के नक्सोस आइलैंड में फिल्माया गया है। दर्शकों को यह लोकेशन बहुत पसंद आ रही। बॉलीवुड में शायद पहला ऐसा गाना है जिसे इस खूबसूरत आइलैंड पर शूट किया गया है। नक्सोस कहने को तो विदेश है लेकिन यहाँ की पूरी आबादी गांव में रहती है। यहाँ शहरों की तरह ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं है। छोटे छोटे गांव है। एक गांव में औसतन 100 घर हैं। यहाँ कुल आबादी सिर्फ 20,000 है। बताते हैं गाने की शूटिंग के दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। उन्हें काफी खुशी थी कि एक अनजान खूबसूरत जगह को फिल्म में जगह मिली। जैसे जैसे सलमान कटरीना थिरक रहे थे लोग भी अपनी छतों पर गाने की धुन पर नाच रहे थे। अली अब्बास जफर निर्देशित टाइगर जिंदा है इस साल 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। सलमान और कटरीना का किरदार एक मिशन को सॉल्व करना हुआ नजर आएगा। इस फिल्म में कटरीना कैफ ने खुफिया अफसर बनने के लिए आमतौर पर किए जाने वाले फाइट करने की तकनीक को एक अलग अंदाज पकड़ने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि टाइगर जिंदा है की कहानी रियल इवेंट्स पर आधारित है। खास बात यह भी है कि पिछली बार आपने एक था टाइगर में देखा होगा कि वहां रोमांटिक कहानी कही गई थी। इस बार कहानी एक्शन से भरपूर होगी, रोमांटिक एंगल नहीं होगा।